टोलटैक्स आ गया है, जो कि हमने पीछे एक टोल टैक्स पे करा था 135 का जो कैश दिया था, ये उसकी पर्ची बचा के रखनी होती है संभाल के, क्योंकि इधर भी उसी पर्ची को दिखाना है और फिर आगे जाने देंगे। ये हमने अपनी पर्ची दिखा दी जो 135 रुपये का टोल टैक्स हमने पीछे पे करा था, और इन्होंने पर्ची को देखा और हमें जाने दिया। तो इसलिए जो पिछले वाले टोल टैक्स पे आपको पर्ची दी जाती है कैश वाली, उसको संभाल के रखना है, क्योंकि इस वाले टोल टैक्स पे उसको दिखाना पड़ता है। अगर आपने बाई चांस गलती से फेंक दी तो आपको दोबारा कटवाना पड़ेगा यहाँ पे टोल टैक्स। ये आज का हमारा थर्ड और लास्ट टोल प्लाजा है, इसमें सिंगल साइड के 40 रुपीज है। तो अब तक हमने दिया है 85, सबसे पहले टोल प्लाजा पे दिया 135, सेकेंड वाले भी दिया था, और उसके बाद अब दिया है हमने, अब जो ये है 40। तो अराउंड 260 का टोल टोटल लगता है दिल्ली से देहरादून के बीच में, अगर आप इस वाले टोल प्लाजा से, मतलब इस वाले रूट से जाएंगे देवबंद वाले से। और ये जो वाला जो टोल प्लाजा है इसमें तो फास्टैग भी है और बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, एकदम से आपकी कार निकल जाएगी। अब हम एंटर कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर देवभूमि में। ये अभी हम यूपी में चल रहे थे, अब जो ये बैरियर्स क्रॉस करने के बाद हम उत्तराखंड में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से जो है राजा जी नेशनल पार्क है, जो जंगल है वो शुरू होता है। अब हम उत्तराखंड के अंदर आ चुके हैं, लेकिन जो उत्तराखंड के अंदर चेकिंग चल रही है और जो टेस्टिंग वगैरह है, जो हमारा ई पास वगैरह चेक करेंगे, वो जब मेन देहरादून में एंटर करेंगे इस राजा जी नेशनल पार्क को क्रॉस कर कर, वो जब दिखाना है ये मेन। लेकिन हम उत्तराखंड के अंदर एंटर कर चुके हैं, अब ये उत्तराखंड है यूके। मंगलवार का दिन है और बजरंगबली के भक्त, ये काफ़ी सारे बंदर हैं यहाँ पे रास्ते में, जो क्योंकि वैसे मैंने बताया आपको जंगल है राजा जी नेशनल पार्क। तो कुछ सामान था मेरे पास तो मैं देता हूँ इनको। अभी डर रहे हैं मेरे पास नहीं आ रहे, उधर खड़ा है वो, उधर ले ले, एक इस तरफ भी है, उधर ही रख देता हूँ, इधर रख दिया मैंने सामान, खुद आके ले लेंगे आगे, देखो कैसे एकदम से लेके चलेंगे। काली माँ का मंदिर है और काफ़ी मान्यता है उसकी यहाँ पे। वैसे तो डाट देवी अगर आप जाना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा ऑफ रोड लेना पड़ेगा, क्योंकि जो सीधा रोड है अभी ये इधर एक टनल बना दिया है जो डाट देवी को बाईपास कर देता है, और अगर उधर जाना है डाट देवी के लिए तो अगर आप दिल्ली की साइड से आ रहे हो तो ऐसे आपको राइट लेना होगा। मेरा माँ डाट देवी मंदिर, मनोकामना सिद्ध पीठ है ये, यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाएँ मांगते हैं, जो पूरी भी होती है माँ पूरी करती है। पहुंचने वाले डाट देवी, थोड़ा सा ऑफ रोड है, पहले तो इसी रोड से जाना होता था लेकिन यहाँ पे जैम वगैरह लग जाता था, इसलिए वहां से एक सुरंग बना दी तो उधर से निकल जाते हैं। तो ये आ गया माँ डाट देवी का मंदिर, चलते हैं दर्शन करते हैं एक बार। ये है माँ डाट काली मंदिर की पार्किंग, ऑलरेडी काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। तो अब चल के मंदिर में दर्शन करते हैं। जो डाट काली मंदिर है इसकी स्टोरी जो है ये लगभग 200 साल पुरानी है। 1804 में ये मंदिर बना था और 1921 से कहते हैं यहाँ पर एक जोत है जो जल रही है नेचुरल, इसको लगभग 100 साल हो गए हैं, 100 सालों से लगातार वो जो जल रही है, तो इसकी काफ़ी मान्यता है देहरादून में, स्पेशली उत्तराखंड में काफ़ी लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और स्पेशली जो लोग नई कार लेते हैं वो डाट काली ज़रूर आते हैं, तो जो नई गाड़ी को लेकर आकर वो अपनी पूजा करते हैं यहाँ पे, सबसे पहली जो जो मंदिर लेके जाते हैं जैसे, वो तो स्पेशली लोग अपनी लेकर आते हैं यहाँ पे।
ये रहे यहाँ पर नारियल और माता के लिए चुन्नी मिल रही है। आज चाबी हाँ बड़े हाँ भाई, ये है माँ डाट काली मंदिर और यहाँ पे काफ़ी सामग्री की खुशबू आ रही है, घी की, घी काफ़ी चढ़ाया जाता है यहाँ पे। यहाँ पे जूते निकालने की व्यवस्था है, वैसे अपने रिस्क में निकालना है। मैंने अंदर एंटर कर लिया मंदिर में, ये इसका प्रांगण है, काफ़ी बड़ा है, आज रश नहीं है तो इस वजह से काफ़ी खुला खुला लग रहा है सब कुछ। आपको तो पता ही है, मैं मंदिर में आ गया हूँ। मैं ये है डाक काली मंदिर, सामने माता की मूर्ति है। जैसे मैंने बताया आपको, डाक काली जो मंदिर है, माता जो काली का रूप है और यहाँ मनोकामना पूरी होती है। जय माँ डाक काली मनोकामना सिद्धपीठ, ये सिद्धपीठ है। मंदिर की वैसे लोग परिक्रमा करते हैं। और ये इस तरफ भी जोत जल रही है, ये हवन कुंड में। जय माता दी। और ये भैया ने मुझे प्रसाद दिया है, माँ डाट काली का प्रसाद, इसको खाने से क्या पता मेरी कोई मनोकामना ही पूरी हो जाए। और ये हवन कुंड है, काफ़ी मान्यता है इधर उत्तराखंड में इसकी, डाट काली की। काफ़ी भीड़ आज, आज ट्यूसडे होते हुए भी यहाँ काफ़ी भीड़ है माँ के दर्शन करने के लिए। मैं भी एक बार माथा टेक लेता हूँ यहाँ पे। पंडित जी प्रसाद दे दो मुझे, प्रसाद। जय माँ डाट। माँ डाट काली के दर्शन कर दिल काफ़ी खुश हो गया, अब अपना आगे का सफ़र जारी रखेंगे हम। माँ डाट काली के दर्शन कर जो पूरे सफ़र की थकान थी वो काफ़ी हद तक मिट गई है, काफ़ी अच्छे वाली फीलिंग आ रही है दर्शन करने के बाद। और ये प्रसाद मिला है मुझे, एक ये कोकोनट है और एक ये बर्फ़ी है। अच्छा है ये, अगर आप इस रोड से जा रहे हो और अगर आपके पास टाइम है तो आप इधर दर्शन करते हुए भी जा सकते हैं, अच्छा है काफ़ी। ये टनल है जो मैंने आपको बताई थी कि डाट काली मंदिर में जब दर्शन करने जाते थे तो पहले वही रास्ता था, अभी टनल बना दी है, अब डाट काली मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी हम दर्शन करने गए थे डाट काली मंदिर तो वापस अब इस टनल में से ही जा रहे हैं। काफ़ी सहूलियत हो गई इस टनल के बनने के बाद, नहीं तो पहले डाट काली मंदिर पे काफ़ी जैम लग जाता था गाड़ियों का। कुछ साल पहले ही बनी है अभी टनल, अभी कुछ साल पहले ही स्टार्ट हुई है। पहले इधर डाट काली मंदिर से आगे रास्ता मिलता था टनल के बाद। अब ऑलमोस्ट हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं, पहुंचकर ही बताऊंगा कि हम कहां रुकेंगे, अभी थोड़ा सा सस्पेंस है। देहरादून की जो मेन नदी है, जो एक देहरादून मेरे ख्याल से यही नदी है, कौन ब्रिज क्रॉस करके
डेस्टिनेशन पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं ऊँचे ऊँचे, वहाँ सामने मसूरी दिख रहा होगा आपको, जो सामने है पूरा ऊपर पहाड़ों पे, जो आपके घर बने हुए दिख रहे हैं। अब हम अपनी डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट पहुंच गए। ये पार्किंग स्पेस है हमारी कार का। तो मैं देहरादून पहुंच चुका हूं और मैं रुका हुआ हूं, जैसे मैंने कहा था कि आपको पहुंच कर बताऊंगा। मैं रुका हूं अपने मामा जी के घर पे। उन्होंने देहरादून से कोई 5-7 किलोमीटर ऊपर है, 7-8 होगा, वहाँ पर है एक जगह सिगली, उधर उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है। वैसे मैं घर का जो टूर है आपको, हाउस टूर, बाद में दूंगा। अभी तो थक गया रे, पहुँचे हम तो रेस्ट करूँगा अभी तो, और फिर अभी थोड़ी शाम भी होने वाली थोड़ी देर में, फिर चाय की चुस्की लेंगे, तब मिलेंगे आपसे। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा इतना व्यू दिखाना चाहता था। ये उनकी बैक साइड वाली बालकनी है घर की, फ्रंट साइड वाली का भी दिखाऊंगा बाद में। ये व्यू है। फ्रंट साइड वाली बालकनी का भी दिखाता हूँ आपको, जैसे ये व्यू है। अमेजिंग है, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का। चाय हो गई है मेरी तैयार, अब मैं गर्मा गर्म चाय की चुस्की ले रहा हूँ। और मैंने आपको बताया था कि रास्ते में कि अगर आपको उत्तराखंड में एंटर करना है तो आपको सबसे पहले तो ई पास की ज़रूरत है, और सेकंड ये है कि जो भी दिल्ली से बाहर से आ रहा है, ये 29 दिसंबर की मैं अपडेट बता रहा हूँ आपको, जो भी दिल्ली से बाहर से आ रहा है और अगर उसको मसूरी जाना है डायरेक्टली और उसका होटल बुक है, तो वहाँ पर आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट भी होगा कोविड का, और वो रैंडम टेस्ट है, ज़रूरी नहीं है, वो सबका नहीं कर रहे हैं, किसी का, जैसे एक कार में 4 बंदे तो 2 का करते हैं 2 का नहीं करते, ऐसा भी है। जैसे हमने तो ये बोला कि भाई हमारा घर है यहाँ पे ऊपर, तो हमें तो उन्होंने जाने दिया, हमको तो टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन वैसे कोई दिल्ली से आएगा, जैसे दिल्ली नंबर कार हो चाहे यूपी नंबर कार हो, तो उसको रोक कर और उसको वहाँ पर टेस्ट हो रहा है और उनका ई पास भी चेक है। तो अगर आप दिल्ली से उत्तराखंड की तरफ आ रहे हैं तो आप ई पास ज़रूर ले लें, और टेस्ट अगर आपके पास RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट है अपनी, आपने अगर दिल्ली से कराई है तो वो वैलिड है। रैपिड एंटीजन टेस्ट का मुझे नॉलेज नहीं है कि दिल्ली से अगर आप करा के आएंगे तो उसको यहाँ पे वैलिड करेंगे नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पर ही रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा और उसमें 15 से 20 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। टोटल आपको लगा लीजिए 1 घंटे के करीब टोटल वहाँ पे टाइम लग जाएगा, क्योंकि और भी कारें होती हैं, थोड़ा रश है। तो बस यही है वहाँ का, तो जो हमको तो नहीं कराना पड़ा, हम तो सीधे आ गए थे, तो जो पुलिस वाला है जैसे वो पूछता है, जैसे UK नंबर कार होती है उनको तो जान ही देता है, तो वैसे मेरी दिल्ली नंबर कार थी, लेकिन मैंने उनको बोला कि हमारा भी ऐसे घर है यहाँ पे ऊपर, तो उन्होंने हमें जाने दिया, हमको कोई टेस्ट भी नहीं कराना पड़ा ना, वैसे हमने ई पास लिया हुआ था, ई पास भी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो लेकिन आप ई पास वगैरह और ये सारी चीज़ फिर भी कर आएँ कम्प्लीट अपने डॉक्यूमेंट्स। तो आज का तो हमारा ब्लॉग यहीं कम्प्लीट होता है। आज का दिन काफ़ी लंबा दिन था और अच्छी लंबी जर्नी थी, अब रुकते रुकाते आए, इन्जॉय करते आए पूरे रास्ते जर्नी को। तो अब कल एक्सप्लोर करेंगे नई नई जगह, अब जो कल का दिन होगा वो कल पता लगेगी आपको कि कल क्या क्या हम एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के दिन का जो व्लॉग था पूरा, अगर वो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ये वीडियो को, ताकि उनको भी नॉलेज मिले। क्योंकि आज जो दिल्ली से हमने सफ़र शुरू करा था देहरादून तक, मुझे लगता है कि मैंने मेजॉरिटी ऑफ पार्ट्स तो कवर ही कर रहा हूँ, उसमें आपको डिटेल में नॉलेज दी कि भाई वहाँ से यहाँ तक आना है तो कैसे कैसे आना है और क्या क्या बीच में टोल टैक्स वगैरह, सब कुछ डिटेल में मैंने आपको बताया। तो यही है आज का व्लॉग, यहीं पर ही समाप्त करता हूँ मैं आज के व्लॉग को। तो मिलेंगे आपसे
अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।